नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ देख सकते हैं द जन्नत डॉट कॉम ने कमेंट किया है, भैया जी पेज मेकर में नेम वाला बॉर्डर कैसे बनाएं, प्लीज़ प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले द जन्नत डॉट कॉम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि पेज मेकर में नेम वाला बॉर्डर कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। बताने से पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप नेम वाला बॉर्डर बनाइएगा। यहाँ देखिए मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है और एक हल्का सा नॉर्मल सा आप देख सकते हैं, या मैं नाम लिखा हुआ, देखिए बॉर्डर के ठीक ऊपर मैं नाम लिखा हुआ है, प्लस इधर भी राइट हैंड साइड में भी आप बॉर्डर के देखिए किनारे पे नाम दिया हुआ है, इधर भी मैंने नाम लिख रखा है। तो इस तरह का आप अपने पेज में अपने नाम वाला बॉर्डर कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, ये मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले फाइल में जाना है, उसके बाद न्यू में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसके बाद जो भी आपका पेज साइज है अपने रिक्वायरमेंट साइज आप पेज ले लीजिए। अगर आपको टॉल में बनाना है, लंबा पेज में बनाना है तो टॉल चूज़ कीजिए, अगर चौड़ा चाहिए तो वाइड चूज़ कीजिए। फिलहाल मैंने टॉल लिया है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पेज उभर कर आ गया, पूरा का पूरा पेज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा कंट्रोल पैलेट को मैंने नीचे कर लिया, अब पूरा पेज आप देख सकते हैं। अब बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए और ये जो आपका रेक्टेंगल टूल है इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नॉर्मल सा लेफ्ट हैंड साइड पेज का कॉर्नर का ऊपर लेफ्ट हैंड साइड आप माउस पॉइंटर रखिए और इस तरह एक रेक्टेंगल बॉक्स आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक इस तरह आपको रेक्टेंगल बॉक्स आप इस तरह ड्रैग करके ड्रॉ कर दीजिए। तो ये देखिए रेक्टेंगल एक बॉक्स यहाँ पर बन गया। अब आपको क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना देना है। पहले इसको एक काम करते हैं, इसको आप सिलेक्टेड रहने दें, उसके बाद एलिमेंट में जाइए, थोड़ा स्टाइलिश कर देते हैं, स्ट्रोक में जाइए। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जैसा अलग अलग स्टाइल दिया हुआ, जो भी आपको पसंद लगे यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये 5 पॉइंट वाला येलो स्टाइल अच्छा लग रहा है। अब आप चाहें तो इस बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं, तो कलर करने के लिए राइट हैंड साइड में कलर पैलेट है, यहाँ से आप बॉर्डर को कलर करने के लिए ये जो 3 बटन दिया हुआ है यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, ठीक यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी जिस टाइप का भी आपको बॉर्डर चाहिए, जैसे आपको रेड ब्लू जो भी चाहिए, जैसे ब्लू चाहिए तो ब्लू आप चूज़ कर सकते हैं। ये तो बन गया एक ये। अब इसके किनारे एक और इसके अंदर में एक और सेम टू सेम इसी तरह एक आपको बॉक्स और बनाना है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप ये जो पिक टूल है इस पर क्लिक कीजिए और फिर बॉर्डर को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए और यहाँ पे कॉपी, फिर यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो गया सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पे एक और देखिएगा कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो एक और इस तरह का बॉक्स तैयार हो जाएगा। बस इसको कुछ नहीं करना, हल्का सा इसको ड्रैग करके थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। ये देखिए ये यहाँ से इधर ड्रैग कर देते हैं, इधर से आपको इक्वली प्रोपोर्शन आपको करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ से कर दिया, अब इधर से थोड़ा सा इधर कर दिया, ये देखिए ये बन गया, देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्चुअल साइज़ करके देख लेते हैं कि सही लग रहा है कि नहीं, चारों तरफ फिट बैठा है कि नहीं, राइट क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज़ कीजिए। ये देखिए ये बन गया सुंदर सा, देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सुंदर सा, देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खूबसूरत सा ब्लू कलर का देखिए यहाँ पर बॉर्डर बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको नेम लिखना है। आप कैसे लिखेंगे नेम वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहे तो इस अगेन दूसरे वाला जो बॉर्डर है नीचे वाला, ये वाला जो ये बॉक्स है इसको क्लिक कीजिए और एलिमेंट में जाके यहाँ से आप स्ट्रोक फिल एंड स्ट्रोक ये भी कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा दूसरे टाइप का आपको चाहिए तो यहाँ से आप दूसरा टाइप का लाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है। स्ट्रोक देख सकते हैं, इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप चले आइए कलर पैलेट में, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद येल्लो आपको चाहिए तो येल्लो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, येल्लो सही नहीं लग रहा है आप ये मैजेंटा चूज़ कर लीजिए। देखिए एक सुंदर सा यहाँ पर बन गया। अब नेम इसके अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे नेम वाला बॉर्डर, जैसा आपने कमेंट किया था, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक कीजिए और चाहे पेज के बाहर या अंदर कहीं भी आप लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट ब्लॉक एक इस तरह आप सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना नाम लिखना है। मैं यहाँ पे GAUTAM गौतम लिख दिया। अब लिखने के बाद इस जो टेक्स्ट है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पैलेट में चले आइए, यहाँ से आप साइज वगैरह भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 18 चूज़ कर लिया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा थिकनेस बढ़ाना है तो यहाँ पे बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया।
अब यहाँ पे आप इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसका जो ये है, जब आप टेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं तो जितना एरिया आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे वो आपको सिलेक्टेड दिखाता है, दो लाइन आ जाता है। इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया। अब थोड़ा सा इसको देखिए यहाँ पे रख दिया। अगर आपको लगता है नहीं साइज़ बहुत बड़ा है या टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हम लोग। ये देखिए जूम करके मैंने देख लिया इसे। उसके बाद ये हैंड टूल है, हैंड टूल से थोड़ा सा इधर से मैं सिलेक्ट कर इधर इधर मूव कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको आप चाहे तो यहाँ से फिलहाल ये सही है देख सकते हैं, लेकिन लाइन पे यहाँ पे ऐड हो गया। थोड़ा सा वन पॉइंट इसको कम कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 18 पॉइंट है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं इसे 17 कर देता हूँ। 17 पॉइंट फॉन्ट का साइज़ दे देता हूँ। देखते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सही लग रहा है। पिक टूल पर क्लिक करते हैं, फिर टेक्स्ट को क्लिक किया, थोड़ा सा इसे नीचे यहाँ पर ला देते हैं। ये देखिए हो गया। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब इसका हमें डुप्लीकेट यहाँ से आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका कॉपी करना है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहे तो दूसरा कलर सिलेक्ट करके यहाँ से आप रेड कलर कर दीजिए, जो आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से कलर कर दीजिए। उसके बाद ये पिक टूल पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। पिक टूल से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद एडिट में जाइए। अब यहीं पे देखिए मेन आपका इम्पोर्टेंस काम करना है, यहाँ पे एडिट में जाके इसे कॉपी कीजिए। याद रखिएगा पिक टूल से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। लिखने के लिए तो टेक्स्ट टूल हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा सा अलग अलग होगा। अगर ये सिलेक्ट करके अगर कॉपी करेंगे तो इसी जगह पेस्ट हो जाएगा, तो मूव नहीं कर पाइएगा। तो बेस्ट है पिक टूल पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट को क्लिक कीजिए, उसके बाद एडिट में जाइए, उसके बाद इसे कॉपी पे क्लिक कीजिए। अब फिर एडिट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए पेस्ट मल्टीपल है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट मल्टीपल का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कितना कॉपी चाहिए, एक लाइन में कम से कम 5 कॉपी तो हमें चाहिए ही। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे 5 कर दिया। मतलब इस जो नाम लिखा है मैंने अपना, वहाँ पे 5 कॉपी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल, अब दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो है रहेगा ये इस तरह आएगा, इस तरह। अब वर्टिकल अगर सिलेक्टेड रहेगा तो नीचे की तरफ इस तरह आएगा। तो हम लोग क्या करना है, हमें हॉरिजेंटल लेना है, तो वर्टिकल नहीं रखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं। अब वर्टिकल ऑफसेट यहाँ पर ब्लैंक कर दिया। अब वर्टिकल अब हॉरिजेंटल हमें कितना रखना है, इस बात का ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे मैं 0.8 कर देता हूँ, 0.8 करेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा दूरी ज़्यादा रहेगा, अच्छी तरह से होगा। आपको ये अपने से सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने कर दिया है, मुझे मालूम है 0.8 कर दिया हॉरिजेंटल ऑफसेट। उसके बाद ओके पे हम लोग देखिए 5 कॉपी ले रहे हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉपी देखिए यहाँ पे बन गया। देख लीजिए यहाँ पे सुंदर सा, यहाँ पे देखिए नाम मेरा ऐड हो गया। अब लगता है नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा कम और 1-2 रह गया, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडिट में जाइए, इसे कॉपी फिर पेस्ट कर दीजिए। 1-2 अगर रह जाता है तो यहाँ पे आप इसे इस तरह एडजस्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया, ये हो गया ऊपर का तो प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया मेरा नाम वाला। अब क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके थोड़ा सा फिट इन विंडो करके देख लेते हैं। ये देखिए मेरा नेम यहाँ पर बॉर्डर में ऐड हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये साइड वाला का क्या करना है, तो साइड वाला करने के लिए थोड़ा सा फिर से मैं राइट क्लिक करके इसको एक्चुअल साइज़ कर देता हूँ। ये हो गया। अब हमें इस तरह लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब हमें ऊपर से नीचे इस तरह आपको सिलेक्ट करना होगा, इस तरह आपको एक सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ जी प्रिंटर देना है, यू प्रिंटर, टी प्रिंटर, फिर ए, फिर इंटर, एम कर दिया। देख लीजिए GAUTAM गौतम, GA लिखना है, सॉरी गलती हो गया, रिकॉर्डिंग करते वक्त ध्यान नहीं रहता। GA फिर इंटर, U फिर इंटर, T फिर इंटर, फिर T के बाद A, फिर इंटर, फिर M लिख दिया। अब ये जो साइज लिया है मैंने, इसे 17 लिया, इसे सिलेक्ट करके देख ले यहाँ पे 17 साइज लिया हुआ है। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी इस तरह ड्रैग करके, इसका भी साइज 12 दिखा रहा है यहाँ पे, आपको इसको भी 17 करना है। यहाँ 14 किया, 14 आ गया, यहाँ पे आपको 17 करना है। क्या करना है, 17 नहीं है, इंटर प्रेस किया, 17 हो गया। उसके बाद इसे बोल्ड कर देते हैं, देखिए बोल्ड कर दिया, हो गया यहाँ पे। ये देखिए मेरा ये यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से आपको
सिलेक्ट कर देना है। अब इसको सीधा करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट में जाइए, टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट बोल के एक होगा, यहाँ पे स्टाइल है, अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में जाइए, यहाँ पे अलाइन सेंटर कर दीजिए। अब ये सेंटर करने से क्या हो, टेक्स्ट जो लिखा हुआ इधर टेढ़ा बेका है वो सही हो जाएगा, अलाइनमेंट सेंटर। देखिए सीधा सीधा टेक्स्ट मेरा आ गया, देख लीजिए ऐसा सीधा हो गया। पहले कैसा था, टाइप में जाइए, अलाइनमेंट में जाइएगा, लेफ्ट था, देखिए इस तरह था, तो सही नहीं लग रहा था देखने में। तो आप यहाँ पर टाइप में जाके आप यहाँ पर अलाइनमेंट में जाइए, इसे सेंटर कर दीजिए, देखिए स्ट्रेट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये स्ट्रेट तो आ गया है, अब इसको भी कलर करना है। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए इसको, ऐसे फिर से नीचे टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट कीजिए। अब इसको कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर रेड कर दीजिए, हो गया। अब आपको क्या करना है, पिक टूल पे क्लिक करना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है, ऐसे क्लिक कर दीजिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब एडिट में जाइए, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कॉपी है, कॉपी कीजिए, फिर एडिट में जाके इसको आपको क्या करना है, पेस्ट मल्टीपल करना है। तो उससे पहले बेस्ट यही मैं कहूँगा कि इसको पहले यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे सजा लीजिए इस दो लाइन के बीच में, यहाँ पे रख लिया मैंने। उसके बाद आप एडिट में जाइए, कॉपी कीजिए, उसके एडिट में जाके यहाँ पर आपका पेस्ट मल्टीपल। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मैंने 5 कॉपीज, तो 5 कॉपी से ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 6 कॉपी कर देता हूँ, 6-7 ज़्यादा रहेगा, 6 कर दिया। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल हमको नहीं चाहिए, हमको वर्टिकली इसको पेस्ट करना है, तो हॉरिजेंटल ऑफसेट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद वर्टिकल में आते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0.5 या 0.8 करने से नहीं होगा, अब आपको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट यहाँ पे कर देता हूँ मैं 4 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर वर्टिकल ऑफसेट मैंने कर दिया है 1.4 कर दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर आपको चेक करना है कि सही हो रहा है कि नहीं, दो टेक्स्ट का दूरी सही हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे पेस्ट का जो कॉपी है सिंपली आप 1 कॉपी ही कीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने सेटिंग कर रहा हूँ इसको पेस्ट करने का वो सही जगह है कि नहीं। यहाँ पर 1 कॉपी किया पेस्ट, उसके बाद ओके कर देते हैं, वर्टिकल 1.4 रखा है, ओके कर देते हैं। अब देखिए नहीं, अभी भी लगता है कि नहीं, पूरा ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर 1.4, देखिए यहाँ पर ज़्यादा इसके साथ मिक्स हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं, सही नहीं हुआ। फिर अगेन आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फिर एडिट में जाना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेस्ट मल्टीपल पे जाते हैं, अब 1.4 ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट हम यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ाते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ पे 6 कर देते हैं। अब ओके कर देता हूँ मैं 1 कॉपी, ओके। देखिए अभी थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सही है, देखिए 1.6 में थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे थोड़ा गैपिंग चाहिए, इसको भी थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। फिर एडिट में जाते हैं, चेक करना पड़ेगा आपको, पेस्ट मल्टीपल पे क्लिक किया, 1.6 ये है, अब यहाँ पे 1.8 कर देते हैं, देखिए वर्टिकल ऑफसेट में मैंने किया 1.8, अब ओके करते हैं। अब देखिए ठीक है, 1.8 में देखिए अब दोनों के टेक्स्ट के बीच का दूरी देखिए थोड़ा ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, एडिट में यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ से इसको हमें इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद एडिट में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट मल्टीपल, एक बार कॉपी करने के बाद आप जितना चाहे पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1 वर्टिकल ऑफसेट 1.8 रखा है, अब पेस्ट यहाँ पे कर देते हैं 6 कॉपी, उसके बाद ओके कर देते हैं, ओके। देखिए ऑटोमेटिकली देखिए अपने आप देखिए ये पेस्ट होता चला गया है, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक देखिए 6 कॉपी में बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं चाहिए मुझे, ये दोनों नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना होगा, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ इधर का तो हो गया प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ये सही नहीं लग रहा, थोड़ा सा और इसको यहाँ पर जो है मैटर, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, ये यहाँ तक हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली राइट क्लिक कीजिए, फिट इन विंडो कर दिया। अब इधर वाला जो मैटर है, यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट है सिलेक्टेड, इसको क्या करना है, इसे सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, एडिट में जाइए, इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद यहाँ पर जाके पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट पेस्ट कर दिया। अब इसे मूव करके यहाँ पर ला के लगा दीजिए, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब एरो की से आप इसको एडजस्ट कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना, ये देखिए मैं एरो की से एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अब एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एडिट में जाइए, इसे अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, एक और यहाँ पे आ गया। अब इसको लाके यहाँ पे नीचे इस जगह पे पेस्ट करना है, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया।
अब देखते हैं नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया। ऊपर का पोर्शन सही है, साइड का पोर्शन सही हो गया। अब ये ऊपर का जो मैटर है ये वाला, सेम टू सेम उसी तरह पिक टूल से ऊपर वाला इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेड हो गया, देख लीजिए। राइट क्लिक करके थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए ऊपर का मैटर जो है पिक टूल पे क्लिक कीजिए, एक बार आपने यहाँ लिख लिया, इसे पिक टूल से ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, ये मैंने सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए ये देखिए, फिर से इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद एडिट में जाइए, इसे कॉपी, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट पेस्ट हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, पेस्ट हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ से मूव करना है, देखिए ये नीचे यहाँ पे, उसके बाद इसे नीचे लाना है, इसी तरह आपको नीचे लाना है, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे, या तो ये यहाँ पे हो जाने के बाद देख लीजिए इसको इस तरह ड्रैग करना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम देगा या ये अलग अलग हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद एलिमेंट में जाइए, इसे ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसे ला के इस तरह आप ड्रैग करके नीचे ला के रख दीजिए, ये देखिए इस तरह आपको यहाँ से इसको नीचे ला के यहाँ पर रख देना है। फिर हैंड टूल पर जाइए, इस तरह पेज को फिट इन विंडो कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से लाके इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए, ये देखिए नीचे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, देखिए नीचे भी हो गया और साइड में भी हो गया, देख सकते हैं इधर भी हो गया, हो गया। अब आपको इसको ज़्यादा बॉर्डर को, पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बन गया। अब जो पीछे वाला, देखिए पीछे वाला जो बॉक्स है उस पर क्लिक कर दीजिए, अब उसको कलर करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसको पीछे वाला बॉर्डर आपको कलर करना है तो उस पर क्लिक कीजिए, येलो कर दीजिए, येलो कर दिया, इसको पीछे ले जाना है। एलिमेंट में जाइए, यहाँ पर अरेंज में जाइए, सेंड टू बैक कीजिए, बैक हो गया। उसके बाद जो बॉक्स है उसको क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आप आइए, आ जाइए यहाँ पे क्लिक करके से वाइट कर दीजिए, पेपर कलर कर दीजिए, हो गया। देखिए पीछे येलो टाइप का, देखिए कितना अच्छा बॉर्डर हो गया येलो और ब्लू में। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो ये अंदर वाला को सिलेक्ट कीजिए इस बॉर्डर को, और यहाँ पे कलर का पैलेट में जाइए, ये जो है लाइन के लिए इसको क्लिक कीजिए, यहाँ से भी ब्लू कर दीजिए इसे, देखिए ये भी ब्लू हो गया, देखिए अब देखिए कितना खूबसूरत। राइट क्लिक कीजिए, इसे फिट इन विंडो कर देते हैं, ये देखिए, ये देखिए अपने नेम वाला बॉर्डर यहाँ पे साइड में, देखिए अपना नाम भी ऐड हो गया, हो गया ये कंप्लीट हो गया। आप चाहते हैं इसको ग्रुप करके रखने के लिए तो ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर दिया आपने, उसके बाद एलिमेंट में जाइए, इसे ग्रुप कर दीजिए, ये ग्रुप हो गया, देख सकते हैं, ये देखिए ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, देखिए ये वाला, इसे आप सेव करके रख दीजिए, जब फ्यूचर में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसे सेव करके उठा के आप ला के यहाँ पर काम कर सकते हैं, हमेशा के लिए फिक्स करके रख दीजिए। आप चाहते हैं कि बॉर्डर मूव करेगा तो एलिमेंट में जाइए, इसे आप लॉक कर दीजिए, यहाँ पे लॉक पोजीशन कर दीजिएगा तो कभी भी ये आपका बॉर्डर मूव नहीं करेगा, एक जगह फिक्स होगा। उसके बाद जो भी काम करना है इसके अंदर आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा मैंने आपको तरीका दिखाया, द जनरल.com। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि नेम वाला बॉर्डर कैसे बनाते हैं। मैं सिंपल सिंपल थोड़ा सा जल्दी भी दिखाया, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।